आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? कल लोकसभा में जो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और लोकतंत्र को तहस नहस किया गया है, 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना काम किया गया है, क्योंकि वो बसपा का ही सांसद नहीं, वो समाजवादी पार्टी, जब वो सांसद बने चुनाव लड़े थे उस सपा बसपा के अलायंस के कैंडिडेट थे, और इतना ही जिम्मेदारी सपा बसपा की नहीं, कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों की जिम्मेदारी बनती है, संविधान को बचाने के लिए आ गए हैं और इस लड़ाई को लड़ना काम करा। क्योंकि जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने एक चोर को चोर कहना काम किया गया, तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जब उनकी समस्या, तो इस जो आदमी लोकसभा के अंदर लोकसभा गरिमा से खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, जितने सरेआम गाली देने का काम किया है एक सांसद को, भड़वा, मुल्ला, कटवा और आतंकवादी कहना काम किया है, तो उसकी भी सदस्यता समाप्त की जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसके उसके खिलाफ लोकसभा की गरिमा को भंग करने का, तोड़ने का ये कार्रवाई की जाए, उसकी सदस्यता समाप्त की जाए, उसके ऊपर मानहानि का दावा करें और उसको सजा मिलना काम होना चाहिए। जनता पार्टी द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, अब वो एक जांच का विषय है, उनका इंटरनल मामला है। नहीं, जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने एक चोर को चोर कहना काम किया था, तो तब तो कहीं जांच का विषय नहीं था, तब तो उनको सदस्यता समाप्त की गई थी, तो इनके साथ लोकसभा में भी दो राही होने का काम क्यों हो रहा है? तो अगर वो जो राहुल गांधी के साथ होता है उससे ज्यादा गाली देने वाले के खिलाफ, ऐसे सोबने भाषा बोलने वाले के खिलाफ वही कार्रवाई क्यों नहीं होती? समाजवादी पार्टी का इस पूरे प्रकरण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट भी किया है, उनकी वीडियो भी वायरल हुई है, उन्होंने कहा है वो सांसद बसपा के नहीं, हमारे भी हैं और हम पूरे विपक्षी जिम्मेदारी बनती है कि लड़ाई लड़ना काम किया जाए। तो आपको लगता है कि जिस तरह के बयान दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अजीब तरह का माहौल खड़ा हो गया? बीजेपी का उद्देश्य यही है, बीजेपी आरएसएस का उद्देश्य यही है, वो 2024 के चुनाव के लिए देश को किसी भी तरह कहीं भी पहुंच जाए, देश को किसी भी गलत में तोड़ जाए, लेकिन वो पीछे हटने वाले रुकने वाले नहीं। विशेष सत्र बुलाया गया था, कहीं विशेष सत्र में इस तरह की बात कहना और एक इतना बड़ा माहौल खड़ा करना, ये उनकी सोची समझी साजिश है। दो उनके कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नहीं तो बाकी सब लोग अफसोस करें, तो उनको भी रोकना चाहिए था, लेकिन वो हंस रहे हैं बैठे हुए, आप वीडियो में देख लीजिए, हर्षवर्धन जी बराबर में बैठे हंस रहे हैं बैठ के, मैं सप्तपाने काम कर रहे हैं, तो उनकी सोची समझी के तहत स्कीम के तहत ये काम हो किया गया है, 2024 की चुनाव की तैयारी के लिए काम किया गया है। राजेश अली जो अंदर संसद सत्र में थे, तो उन्होंने उसका जवाब तुरंत देना चाहिए था या नहीं? वो क्या जवाब देते हैं? उन्होंने तो बिल्कुल सही है आचरण किया है, वो अपना उन्हें वो इतने दुख में है, इतने बताया उन्होंने अपने इंटरव्यू में, रात भर वो सो भी नहीं पाए। उनके क्या होना चाहिए? रमेश विदुरी जी के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, उनको संसद से निलंबित किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से।